इतिहास जितना पुराना होता जाता है उसे खंगालने पर हर बार उसमें से कुछ नया ही निकल कर आता है। लेकिन फिर भी हर बार उसमें रह जाता है कुछ अनकहा सा। कुछ अनसुना सा। हमारा ये खास कार्यक्रम धरोहर इतिहास के कुछ ऐसे ही अनकहे किस्सों को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। ये प्रयास है आज की पीढ़ी को ये बताने का कि वो एक गौरवशाली अतीत से संबंध रखते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम आज की पीढ़ी को उनकी अपनी ही विरासत अपनी ही धरोहर से रूबरू करवाना चाहते हैं। राजस्थान किलों महलों हवेलियों और मंदिरों का प्रदेश है। जी हाँ, सभी जानते हैं जब भी राजस्थान की बात आती है तो ना जाने कितने पुराने किले महल और हवेलियां याद आती हैं। पर क्या आप जानते हैं यहाँ हर किले का एक रहस्य है, हर महल की अपनी दास्तान है, हर हवेली की अपनी कहानी है और हर मंदिर की अपनी मान्यताएं हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ अनसुनी दास्तान, कुछ अनसुनी कहानियां हमारी इस धरोहर के बारे में। जी हाँ, मैं आपको इतिहास पढ़ाने नहीं, इतिहास महसूस कराने लाया हूँ। खूबसूरत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगर तो कहते ही हैं, साथ ही इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण है यहाँ के छोटे छोटे असंख्य मंदिर। और हर मंदिर का अपना इतिहास, अपनी मान्यता। इस छोटी काशी में है एक ऐसा तीर्थ जो अपने आप में बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी मान्यताएं समेटे हुए है। क्या आपको पता है खूबसूरत जयपुर में भी था एक वास्तु दोष? क्या आप जानते हैं उस गुफा के बारे में जहां से मिला था जयपुर राजघराने को यश और कीर्ति का आशीर्वाद? क्या आपको पता है भगवान कृष्ण क्यों बने राम? क्या आप जानते हैं जयपुर में है एक ऐसी अखंड ज्योत जो 500 साल से भी ज्यादा समय से जल रही है? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और इसीलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं संतों की तपोस्थली गलता जी, क्योंकि उसी गलता तीर्थ में छिपे हैं इन सभी सवालों के जवाब। अड़सठ तीर्थ पुष्कर गुरु गलता नहाए होए शुरू। जी हाँ, जयपुर और उसके आसपास के रहने वाले लोगों का मानना यह है कि कोई भी तीर्थ की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले गलता तीर्थ से ही उसकी शुरुआत होती है। जी हाँ, संतों की तपोस्थली है गलता।
विदेशी सैलानियों की माने तो वो इसे मंकी टेम्पल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर रहते हैं। जी हाँ, अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ये मनोरम स्थल, जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, जहाँ बहुत खूबसूरत मंदिर है, अपने आप में वास्तुकला का एक श्रेष्ठ नमूना है गलता। आज हम आपको गलता तीरथ की सैर करवाएंगे और आपको बताएंगे कि हमारी इस धरोहर में, हमारे विरासत में, हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। अरावली की मनोरम पहाड़ियों के बीच बना ये तीर्थ अपने आप में बहुत खास है। यहाँ बहुत से मंदिर हैं। ऋषि गालव ने कई वर्षों तक इस मनोरम स्थल पर तपस्या की थी। बताया जाता है कि अपने तपोयोग से ऋषि गालव नित्य शिवालिक पहाड़ियों में गंगा स्नान को जाते थे और उनकी इसी साधना से प्रसन्न होकर एक दिन माँ गंगा एक कुंड में जल स्रोत के रूप में प्रकट हुई और उस दिन से आज तक ये कुंड कभी नहीं सूखा। और वाकई में ये कौतूहल का विषय है कि जयपुर, जहाँ प्राकृतिक जल का स्रोत ढूंढने से भी नहीं मिलता, वहाँ गलता के कुंड में इतनी ऊंचाई पर भी हमेशा पानी भरा रहता है। गोमुख से निरंतर गिरता जल इन कुंडों को हमेशा पानी से लबालब रखता है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि जिस राजस्थान में गर्मियों में पानी के बड़े बड़े स्रोत सूख जाते हैं, उन दिनों में भी इस गोमुख से पानी की धारा अविरल कैसे बहती रहती है। अरावली की पहाड़ियों में ऐसे स्रोत होना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। क्या ये गालव ऋषि की तपस्या का ही परिणाम है कि उन्होंने गंगा माँ को शिवालिक की पहाड़ियों से अरावली की पहाड़ियों तक बुला लिया? और यही कारण है कि हिंदू पंचांग में मानी जाने वाली प्रमुख पर्व और तिथियों पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। जयपुर और आसपास रहने वाले लोग किसी भी तीर्थ की शुरुआत गलता स्नान से ही करते हैं। गलता जी सतयुगकालीन स्थान है, जहाँ पर 60,000 वर्ष महर्षि गालव ऋषि ने तपस्या की, उसके फलस्वरूप गंगा जी का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, या यूँ कहें कि महर्षि गालव ऋषि की देन है। जो ये जो जल है, इसको गंगा जी के जल के रूप में ही सभी उसी रूप से इसकी पूजा करते हैं और यहाँ स्नान करके पुण्य लाभ कमाते हैं। गलता जी का जो स्थान है, वो विशेष करके यहाँ के जो राजा हुए हैं, उन्होंने अपने गुरु के रूप में गलता जी के महंत को माना और उसी रूप से जब तक ये राजाओं की परंपरा रही, तब तक ये उस रूप से उसको मानते रहे। अरावली की इन खूबसूरत पहाड़ियों को काट कर जिस प्रकार से गलता तीर्थ का निर्माण किया गया है, जिस प्रकार से इन मंदिरों का निर्माण किया गया है, असल में हम आपको यही इस धरोहर के रूप में दिखाना चाहते हैं कि हमारी विरासत में हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज क्या छोड़कर गए हैं। हम आपको असल में वही दिखाना चाहते हैं। ऋषि गालव के मंदिर में दर्शन करने के बाद वक्त था हमारे पहले सवाल का जवाब ढूंढने का। बताया जाता है कि जयपुर में कोई वास्तु दोष था और उस वास्तु दोष को खत्म करने के लिए, उस वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए यहाँ एक सूर्य मंदिर बनाया गया। जी हाँ, वो सूर्य मंदिर गलता घाटी से, गलता के कुंड से थोड़ा सा ऊपर है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं उसी सूर्य मंदिर में, जो कि गलता के रास्ते में है और उसी चढ़ाई पर इस समय हम लोग चढ़ रहे हैं। किस प्रकार से उस मंदिर को बनाया गया और किस प्रकार से उससे वास्तु दोष दूर हुआ, ये हम आपको बताएंगे। सुरम्य गलता घाटी की ओर से सूर्य मंदिर पहुंचना था और रास्ते में नजर आ रहे थे उछल कूद करते वो बंदर, जो इस गलता घाटी को जीवंतता प्रदान किए रहते हैं।
इन्हीं मनोरम घाटियों से होते हुए हम पहुंच गए जयपुर के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर। बहुत ही खूबसूरत कारीगरी से बना ये सूर्य मंदिर और इसके पीछे से नजर आता खूबसूरत जयपुर शहर। तेज हवा से लहराती ये कीर्ति पताका जैसे संदेश दे रही हो कि जयपुर के यश और कीर्ति के पीछे भगवान सूर्य का ही आशीर्वाद है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही सूर्य भगवान विराजमान दिखते हैं और जैसे ही पूर्व से सूर्योदय की पहली किरण इस मंदिर के शिखर और इस मूर्ति पर गिरती है तो मंदिर से भगवान सूर्य की आरती की मधुर ध्वनियां गूंजने लगती है। जैसे सुबह के सूर्योदय की पहली किरण सूर्य मंदिर को रोशन करने के बाद ही जयपुर पर पड़ती है, ठीक वैसे ही सूर्यास्त का अद्भुत नजारा भी यहाँ से आंखों को एक सुखद अनुभूति प्रदान करता है। लगभग 300 साल पुराने इस मंदिर के बारे में हमने बात की तो हमें हमारे सवालों का उत्तर भी मिला। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, 300 साल पुराना है। यहाँ के राजा थे सवाई जयसिंह जी, उनके दूत थे राव कृपाराम जी, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था, उनके सानिध्य में बना था। तो इस सूर्य उगता है उसकी पहली किरण इस मंदिर में पड़ती है, इसके बाद में सिटी में जाती है। और जयपुर में वास्तविक दोष था, उस दोष के निवारण के लिए ये सूर्य मंदिर भी बनाया गया था, जिससे भाई जयपुर का दोष वास्तविक दोष खत्म किया जाए। परंतु मन में तो ये विचार चल ही रहा था कि आखिर वो वास्तु दोष क्या था। तीन कोणों पे पहाड़ी है और एक कोणा खाली है, तो उसको पूरा करने के लिए ये मंदिर बनवाया गया था। गलता जी के शीर्ष पर पहाड़ियों के बिल्कुल ऊपर सूर्य देव का मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि कुछ वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का कोई अनहोनी ना हो, इस रूप से कहते हैं वहाँ पर वो सूर्य मंदिर की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। और वो तब से आज दिन तक भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव नगर में भ्रमण करते हैं, रथ पर उनकी शोभा यात्रा निकलती है जिसमें जयपुरवासी सभी उनका जाकर के आरती करते हैं, जो आज भी जारी है। तो सूर्य का कुछ विशेष जुड़ाव जयपुर नगर से बना हुआ है। मंदिर में जाने से पहले तक हम सिर्फ ये जानते थे कि जयपुर में कोई वास्तु दोष था और उस वास्तु दोष को दूर करने के लिए मंदिर बनाया गया, लेकिन वो वास्तु दोष क्या था ये हमें पता चला मंदिर में जाने के बाद। जैसा कि बताया कि जयपुर के तीन तरफ पहाड़ियां हैं, जी हाँ, अरावली की ये खूबसूरत पहाड़ियां जो कि इस समय आप देख रहे हैं हरियाली से ढकी हुई, ये जो तीन पहाड़ियां हैं जयपुर के तीन तरफ, और वास्तुशास्त्र के अनुसार जो चारों जो कोने हैं वो बराबर होने चाहिए, चारों कोनों पे बराबर भार होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जयपुर के जो निर्माता थे वो खुद एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, अंक ज्योतिषी में उनके बराबर कोई नहीं। उन्होंने फिर इस एक सूर्य मंदिर की स्थापना की, सूर्य मंदिर का निर्माण किया जिससे कि चारों कोने बराबर हो सके, और आज वही सूर्य मंदिर पे हम आज खड़े हैं। जैसा कि सूर्य मंदिर में ये भी बताया गया कि सुबह सुबह जब सूर्य इधर से उगता है तो उसकी पहली किरण इसी मंदिर पे पड़ती है और उसके बाद जयपुर पर वो किरणें पड़ती है। ठीक इसी प्रकार शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो इस सूर्य मंदिर का नज़ारा, जो अंदर आपने कुछ रंग बिरंगी खिड़कियाँ देखी, कुछ कांच देखे, ये उसी समय के लगभग 300-350 साल पुराने शीशे लगे हुए हैं, इससे सतरंगी आभा इस सूर्य मंदिर में छा जाती है। बहरहाल पहले सवाल का जवाब लेकर वापस चले कुंड की तरफ, क्योंकि अभी बहुत से सवाल और भी थे। और हम चल दिए उस गुफा की तरफ जहां से जयपुर राजघराने को ऐसा आशीर्वाद मिला था। हम पहुंचे प्योहारी बाबा की गुफा। ये गुफा है एक ऐसे संत की जो केवल दुग्धपान किया करते थे, इसलिए उनका नाम प्योहारी बाबा हो गया।
क्या आप जानते हैं जयपुर में एक ऐसी गुफा भी है जिसे पाताल तोड़ कहा जाता है। पाताल तोड़ मतलब वो गुफा जिसका रास्ता सीधे पाताल तक जाता हो। जी हाँ, वो गुफा इसी गलता तीर्थ में है। इसी गलता तीर्थ में जहाँ पयोहरी बाबा की गुफा के नाम से जाना जाता है। पयोहरी बाबा इसलिए क्योंकि वो केवल दुग्ध पान किया करते थे। बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े संत थे। बताया जाता है कि आमेर राजघराने के राजा पृथ्वी सिंह को जब इन संत के बारे में पता चला तो वे उनसे मिलने पहुंचे। और उनको इस संत ने भगवान नरसिंह का एक विग्रह यानी मूर्ति आशीर्वाद के साथ दी थी और कहा था कि भगवान नरसिंह के आशीर्वाद से राजघराने की ख्याति और यश सदैव बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा जब तक नरसिंह देली में, नरसिंह जी का जो विग्रह है, जब तक नरसिंह देली में तब तक राज हथेली में। तो उन्होंने उनको वो नरसिंह जी का जो विग्रह वो भेंट किया। पयोहरी जी की जो गुफा है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो गुफा अनंत है, उसका कोई और छोर पता नहीं है। ऐसा का ऐसा स्थान बिल्कुल कुल्लू में भी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शायद ये गुफा कुल्लू तक गई है, उस पर कभी खोज हो नहीं पाई। ये तो सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे और भगवान राम के ही गुणगान सुनते और सुनाते थे। अपने वृंदावन प्रवास के दौरान भी वहाँ ये कहकर नहीं रुकना चाह रहे थे कि ये तो कृष्ण की नगरी है, यहाँ मेरे प्रभु श्री राम का गुणगान ही नहीं है। राम गोपाल जी की जो मूर्ति है उसमें भगवान राम और कृष्ण दोनों का समावेश है। तुलसीदास जी जब वृंदावन गए तो वहाँ पर कृष्ण का ही स्वरूप सारी जगह विद्यमान है। वहाँ जो मंदिर है उनमें कृष्ण की ही महिमा है। तो उन्होंने मंदिर में जाकर ये कहा कि कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण ले हाथ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना राम के स्वरूप का और कृष्ण के होते हुए राम के स्वरूप का दर्शन कराया। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तो उन्होंने वहाँ राम जी के रूप में कृष्ण भगवान ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। भगवान कृष्ण के भगवान राम के रूप में दर्शन इसी गलता तीर्थ में है जिसमें उनके हाथ में धनुष और मुरली दोनों है। और इस मंदिर को राम गोपाल जी का मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर में भगवान श्री राम के एक और अद्भुत दर्शन है जिसमें भगवान श्री राम की पत्थर की मूर्ति है जिसे ब्रह्म कहा गया है। माता सीता की धातु की मूर्ति है जिसे माया कहा गया है। और लक्ष्मण जी की लकड़ी की मूर्ति है जिसे जीव कहा गया है। इस पवित्र तीर्थ के बारे में एक बात और भी है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, वो ये कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना इसी जगह, जी हाँ, गलता तीर्थ में बैठकर ही की थी। और इसी मंदिर में है हमारे आखिरी प्रश्न का उत्तर। अखंड जोत, एक ऐसी जोत जो कि 500 सालों से लगातार प्रज्वलित है। और यह अखंड जोत है इसी प्रांगण में स्थित हनुमान मंदिर में। गलता जी में अखंड ज्योति है, हनुमान जी महाराज का वहाँ पर विग्रह है और हनुमान जी महाराज के वहीं पर वो अखंड ज्योत विद्यमान है जिसको करीब 550 वर्ष हो गए हैं। वहाँ सभी लोग उस अखंड ज्योत के दर्शन करते हैं। एक ऐसी अखंड ज्योत जो उस समय पर भी जलती रही जब जयपुर में भीषण बाढ़ आई थी और कई दिन तक पुजारी मंदिर तक नहीं पहुंच पाए थे, उस समय भी ये ज्योत इसी प्रकार जलती रही। आज भी अखंड ज्योत गलता जी की अखंड जलधारा का साथ निभा रही है।
1981 में जयपुर में बड़ी भीषण बाढ़ आई थी, उसमें गलता जी के जितनी भी बिल्डिंग्स और जितने भी कुएं और बावड़ी ये सब पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे और इतने पत्थर और मिट्टी आया कि वो पूरा गलता जी एक तरह से पूरा नष्ट हो गया। लेकिन वहाँ के जितने मंदिर और ये अखंड ज्योति वहाँ पर वो स्वरूप उसका यूं की यूं ही रहा, वो उसमें कहीं भी किसी भी तरह से रुकावट नहीं हो पाई और वो हमेशा से जब से वो विद्यमान ही है। गलता जी की बात हो और यहाँ के बंदरों की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं। गलता जी को दुनिया भर में मंकी टेंपल, मंकी वैली, लोनली प्लेनेट ऑफ मंकीज के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। यहाँ पर आने वाले सैलानियों के साथ ये बंदर बहुत ही जल्द दोस्ती कर लेते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। इस घाटी में कई प्रजातियों के बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। गलता के चप्पे चप्पे पर ये बंदर आपको उछल कूद करते, पानी में अटखेलियां करते मिल जाएंगे। ये बंदर इतने संतुष्ट हैं कि कभी भी किसी को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाते। गलता जी में तीन चीजें अखंड हैं। एक तो जल अखंड है, दूसरा वहां का जो धूना है वो अखंड है, और अखंड ज्योति है वो अखंड है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी तीर्थ की शुरुआत जब करते हैं तो गलता तीर्थ के साथ करते हैं, और इसी प्रकार से हमने भी अपने इस पहले कार्यक्रम की शुरुआत, जी हाँ, धरोहर की शुरुआत हमने गलता तीर्थ के साथ की, और इसी बहाने हमने आपको दिखाया कि विरासत में हमारे लिए हमारे पूर्वज गलता के रूप में एक ऐसी धरोहर छोड़ के गए हैं जो वाकई में देखने लायक है, जिस धरोहर को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उस धरोहर को देखने के लिए एक बार आपको भी आना जरूरी है। We'll be right back.